सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, यू आर वाचिंग दिलीशान व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे एंड कहीं पर भी जा रहे होंगे अपने आप को पूरा सैनिटाइज रख रहे होंगे। सो ये हमारा दूसरा डे है रेगुलर व्लॉग्स का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। टाइम टू टाइम अब शूटिंग भी हो रही है और सब चीज़ है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये एक्चुअली मैं कह सकता हूँ ये कस्टमाइज टॉपिक है। इसकी रिक्वेस्ट आई थी ये बनाने की और मुझे भी लगा कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। तो ज़्यादा वेट ना करते सीधा टॉपिक के ऊपर शुरू करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कि काफ़ी लोग होते हैं, मतलब दिल्ली बेस्ड है ये, फिलहाल अभी मैं बता दूँ ये ऑल ओवर इंडिया वाला नहीं है। काफ़ी लोगों को पैट्स अडॉप्ट करने होते हैं तो काफ़ी लोग बाय करते हैं। इन दिस केस मेरे को बाय करना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं लगता, बिकॉज वो भी एक जान है एंड खरीदना बेचना इज टोटली डिफरेंट। कि किसी को स्पेसिफिक ब्रीड चाहिए तो उसके लिए आप खुद ही गूगल करो, जिससे बाय करना है खुद करो। मैं कुछ नहीं बताने वाला यहाँ पर, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अडॉप्ट कैसे कर सकते हो रिलेटेड टू आपको कैट अडॉप्ट करनी है, डॉग अडॉप्ट करना है या कोई और ब्रीड। सो मैंने 5 निकाले हैं एनजीओस या 5 लोकेशंस है, ये सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको पता चल सकता है कि डॉग्स की केयर कैसे करनी है, अपने पेट की डॉग या कैट की, अपने पेट को आप कैसे हेल्दी रख सकते हो, कुछ इशू हो जाए तो कहाँ पर जाना सही है। सो 5 ऐसी जगह जहाँ से आप पेट अडॉप्ट कर सकते हो। अडॉप्शन इज़ बेटर कि आप जिसको ज़रूरत है आप उसको घर दे रहे हो, तो ये ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैंने अडॉप्शन सोचा। पहले मैं सोच रहा था कि हाँ बाय का भी देखूँ, बट मैंने जब स्क्रॉल करना शुरू किया एक दो जगह पता चली कि हाँ, बट कमेंट सेक्शन में भी जाके बता दिया कि काफ़ी लोग, मतलब अगर उसके 10 अच्छी बातें हैं तो 10 अच्छी बातों में ना 2 बुरी बातें भी ऐसी थी कि मतलब लगा कि यार नहीं यार ये नहीं हो सकता। उसके अंदर नहीं यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि मतलब सबसे ज़्यादा तो थंबनेल उनके ऐसे होते थे 2000 में आप कुत्ता लीजिए, 2000 में आप सबसे चीपेस्ट एनिमल वो कीजिए। ये कोई चीपेस्ट या वो वाली बात नहीं है, यू आर बाइंग अ लाइफ, आपको उसे केयर करनी है। लोग कुछ लोग शो ऑफ के लिए रखते हैं, कुछ लोगों को बाय करना होता है, एडॉप्शन प्रोसेस नहीं पता होता, वो सबका अपना अलग मैटर है। बट जिस तरीके से वो बता रहे थे हर यूट्यूबर का कि ये देखिए ये 4000 का है, इसकी क्वालिटी हमारे जो कहते डॉग्स की क्वालिटी है वो A1 होती है, द थिंग इज यार क्वालिटी क्या, मतलब यहाँ पर कोई चाइना का माल बिक रहा है या हेडफोन बिक रहे हैं कि उनकी तुम क्वालिटी देखोगे? भाई वो जान है जैसे भी हैं, उन्हें प्यार करो, दैट्स इट, अगर कर सकते हो तो, नहीं तो शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसी के साथ हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली जो नेशनल लेवल पे है ये है पॉज इंडिया। पॉज इंडिया एक वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी है, मतलब ये अवेयरनेस वगैरह वेलफेयर एनिमल वेलफेयर सोसाइटी टाइप का है, ये अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं और ये पेट अडॉप्शन तो देते ही देते हैं बट एक अलग अलग एंटी रेबीज ड्राइव्स भी करते हैं कि आप किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं एंड आपको अगर कोई भी क्रुएल्टी दिखती है कि कोई किसी पेट के साथ बुरा कर रहा है या वो अबैंडन हो गया, तो ये उनकी टोटली हेल्प करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं और बहुत अच्छी केयर करते हैं। रेपुटेशन की बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात, मतलब इनको अलग अलग आप वॉलंटियर भी कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो अगर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते बट आप चाहते हो कि हाँ आपकी वजह से किसी की लाइफ अच्छी हो जाए, तो ये वो काम करते हैं और आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप इन्हें वॉलंटियर कर सकते हो। मतलब आपको है कि मैं कभी कभी कहते जाके डॉग से खेलूँ, उनका ध्यान रखूँ, तो आप वो टोटली काम यहाँ पर कर सकते हो। पॉज इंडिया को आप गूगल पर जाके सर्च करोगे आपको उनका फेसबुक पेज ही मिल जाएगा सब कुछ, और दिल्ली वासियों के लिए बहुत इजी टू लोकेशन पे है। सबसे बड़ी बात कहते कि ये आपकी ना प्रॉपर गाइडेंस देंगे आपको कि पेट कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे उसका ध्यान रखना है, और अगर आपको टेकिंग केयर में कोई इशू आ रहा है ये हमेशा 24 घंटे अवेलेबल हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा मैं, यहीं कहीं पर फ्लैश हो रहा होगा हाँ। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको इनकी लोकेशन देखनी है तो लोकेशन है इनकी वसंत कुंज में है, लोकेशन भी टाइप करके लग दूंगा, मसूदपुर विलेज बदम सिंह मार्केट पे है ये, C9 Block 7। तो आप जाके गूगल पे देख सकते हो, बहुत इजीली मिल जाएगा पॉज इंडिया, और फोटोज़ वगैरह इसी से रिलेटेड आती रहेंगी, मतलब देख सकते हो बहुत अच्छा तरीके से रखते हैं। दूसरा है, यहाँ पर तो मैं खुद पर्सनली गया हुआ हूँ, ये है फ्रेंडिकोस। फ्रेंडिकोस ये आपका भोगल साइड पर पड़ता है जंगपुरा में,
ये जो फॉस्टर अबैंडन कैट्स हो जाती है, मतलब जो अपने डॉग या कैट्स को बाहर निकाल देते हैं और वो घूम रहे होते हैं बस सड़कों पे लावारिस, ये उनकी हेल्प करते हैं, ये टोटली अपने दिल से काम करते हैं। और आप इन्हें भी मतलब वही है कि आप स्पॉन्सर कर सकते हो, जाके देख सकते हो, बट आप यहाँ पर आप सिर्फ जाके मतलब जाओ और उठा के ले आओ, ऐसा वाला काम नहीं है टोटली। आपको ये प्रॉपर ट्रेन करेंगे कि आप अपने पेट का कैसे ध्यान रख सकते हो, उसकी क्या बेसिक नीड्स है, और जान सकते हो कि अगर उसे कोई इशू है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, तो टोटली उसमें हेल्प करेंगे आपकी बहुत अच्छे तरीके से। और मतलब आप जाके देखोगे ना, मैं गया था और ऐसा एक्सपीरियंस थी जिसकी मेरा तो मन हो गया था ले आओ डॉग, बट उस टाइम में पॉसिबल था नहीं। बट बहुत अच्छी जगह है, मतलब वहाँ पर आपको उनकी ना आँखें देख के पता लग जाएगा कितने प्यार भरी नज़र से देखते हैं। इनका भी कहते हैं ये आपका पड़ता है डिफेंस कॉलोनी फ्लाईओवर मार्केट के नीचे, पिलर नंबर 271-273 है, बड़ा बड़ा सा बोर्ड दिख जाएगा फ्रेंडी को उसका, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सबसे बढ़िया यहाँ पर आपको ब्रीड्स मिल जाती है, मैंने तो मतलब एक फ़ोटो देखी थी जिसमें सेंट बर्नार्ड जो है वो तक इनके पास पर लगता है। यार कोई इतना महंगा डॉग, मतलब सीरियसली अगर मार्केट प्राइस में अगर देखा जाए वो डॉग के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें चाहिए, और वो महंगा है यार काफ़ी, उस तक को कर सकते हो तो सोच सकते हो कि कैसे कैसे दुनिया में लोग बसते हैं। तो आपको अलग अलग ब्रीड्स मिल जाएगी, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं समझता हूँ यार किसी को पपी चाहिए होता है, जैसे मेरा है कि मैं एकदम बड़ा डॉग नहीं हैंडल कर सकता, मैंने कभी हैंडल नहीं किया। आई लव डॉग्स, आई लव कैट्स, बिल्लियाँ मैंने पाली हैं अभी भी, आपने लास्ट अगर व्लॉग में देखा तो एक थी गोल्डी, गोल्डी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्शन आ जाएगी, वो भी अब चली गई है कहीं अपने रास्ते पे। सो आदत है, मतलब एक्सपीरियंस कह सकते हो वो था, और आई मिस हर, ऐसी बात नहीं, अभी तक की सबसे अच्छी बच्ची थी। तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, आपको कैट्स मिल जाएंगे, डॉग्स मिल जाएंगे, लैब्राडोर वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और एक है ये मुझे काफ़ी इनोवेटिव साइट मिली, ये है dogspot.in। dogspot.in एक ऑनलाइन एडॉप्शन साइट है, और सबसे बड़े तो आप यहाँ पर जाके ना मतलब देख सकते हो कि आप जहाँ पर रहते हो कौन कौन सी ब्रीड्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें ऑनलाइन प्रोसीजर से ही अडॉप्ट कर सकते हो, उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हो, देख सकते हो कौन से अडॉप्ट हो चुके हैं और कौन से अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए, और आप इनको भी वॉलंटियर कर सकते हो, स्पॉन्सर कर सकते हो, इनकी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको किसी का टेक केयर देना है तो आप वो देख सकते हो, ये फूड क्लोथिंग सब चीज़ सेल भी करते हैं अगर आपको कुछ भी चाहिए तो। और ये dogspot.in तो इतना ईजी बना दिया, मतलब ऑनलाइन आती है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अगर आप ऑनलाइन अडॉप्शन कर सकते हो और क्या चाहिए। और यहाँ पर आप कैट्स अडॉप्ट कर सकते हो, बर्ड्स अडॉप्ट कर सकते हो, काफ़ी अलग अलग तरह के एनिमल्स भी अडॉप्ट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम डॉग्स, कि अगर आपको कुछ और भी देखते हो। और काफ़ी बेबीज भी मिल जाते हैं आपको, पपीज़ वगैरह, क्या अगर आपको अडॉप्ट करने। तो ये आपका जो लोकेशन है ये पड़ेगा ओमसाई कॉम्प्लेक्स फर्स्ट फ्लोर पे, कापासीडा में, न्यू दिल्ली, प्लॉट नंबर सब कुछ आ जाएगा लिखा हुआ, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। और ये है सबसे ओल्डेस्ट जगह जो बता रहा हूँ, ये है संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर। संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर बहुत पुराना है, मजदूर कहेंगे ना काफ़ी टाइम से, मतलब संजय गांधी के टाइम से ना है ये। तो यहाँ पर आप डॉग से लेकर कैमल सभी तरह की मैक्सिमम ब्रीड्स आप मिल सकती है बेसिकली इस यहाँ पर। आपको जैसे ना ब्रीड्स वाला इशू आप कह सकते हो, संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर जो है वो सबसे पहले मतलब वो टेक केयर तो हर तरह की ब्रीड के करते हैं, मगर उनका बिलीफ है वो इंडियन ब्रीड्स को ज़्यादा प्रेफरेबल देते हैं अडॉप्शन के लिए देते हैं, बिकॉज वो भी यार एक सिंपल सी बात है, अगर इंडियन ब्रीड्स की जगह आप फॉरेन ब्रीड्स को लाइक हस्कीज हो गए, इन्हीं को अडॉप्ट करते रहोगे, इन्हीं को खरीदते रहोगे, तो हमारे इंडियन ब्रीड की तो वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो इंडियन ब्रीड की भी वैल्यू होनी चाहिए, इसी के लिए वो ये मिशन चला रहे हैं। आपको यहाँ पर जो भी डॉग्स मिलेंगे या जो भी एनिमल मिलेंगे जो आपको अडॉप्ट करने, आप जाके पता कर सकते हो, ये राजा गार्डन में, न्यू दिल्ली में, आप इजीली भी हो जाएगा। बट सबसे बड़ी बात है ये ऑल वैक्सीनेटेड मिलते हैं आपको, आपको ऐसा कोई वैक्सीन वगैरह लगवाने की जरूरत नहीं कि बाकियों में जैसे है कि आपको जाके वैक्सीन वगैरह, ऑल वैक्सीनेटेड होते हैं इनका ऑलरेडी, कहते हैं मतलब डोज वगैरह जो बेसिक होती है वो सब मिली हुई होती है पूरे, मतलब आपको बस जाना है, आपको ट्रस्ट दिखाना है, आपको प्यार दिखाना है और प्यार रखना है, और आप अडॉप्ट कर सकते हो, दैट्स इट।
इनका भी नंबर मिल जाएगा आपको। और मतलब बहुत मतलब मेडिकेशन प्रॉपर किट से बहुत अच्छी होती है, और अलग अलग ड्राइव्स चलाते हैं तो आप जाके देख सकते हो। और यू नो देशियों की तो बात ही अलग होती है। एक है पॉश फाउंडेशन, फिफ्थ नंबर की पॉश फाउंडेशन है। ये एनिमल राइट्स प्रोटेक्शन वगैरह में भी हैं ज़्यादा। आप इधर रिपोर्ट कर सकते हो, जैसे आपकी गली में कोई डॉग है, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको हेल्प चाहिए, आप इन्हें टोटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ये शेल्टर होम्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और ये मतलब कि अपार्ट फ्रॉम एडॉप्शन, मतलब ये बहुत ध्यान रखते हैं, और ये कहते फिजियोथेरेपी एंड मतलब जो डॉग्स को इश्यूज होते हैं ये वो तक देखते हैं, कि मतलब आप काफ़ी चीज़ें से रख सकते हो। और आप बस जाओ अपने फरी फ्रेंड को बस पिकअप कर लो पॉश फाउंडेशन से आज ही, ऐसा वाला है। और ये पूरा रिकवरी तक ध्यान रखते हैं डॉग्स का, अगर आपके साथ कोई इशू आ गया कुछ तो आप जस्ट जाओ पता करो उनके बारे में, उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, आपको सब पता चल जाएगा। पॉश फाउंडेशन काइंड ऑफ अ प्राइवेट फाउंडेशन है पर बहुत अच्छी है। ये आपकी पड़ती है प्रताप विहार में, गाज़ियाबाद साइड में पड़ती है, बट ये मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने जोड़ लिया इसी में, बट ये गाज़ियाबाद में पड़ती है प्रताप विहार पे। सो आप जाके देख सकते हो, बट बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। और मेरा आज का सिक्स्थ जो है वो है जीवाश्रम। जीवाश्रम जो फाउंडेशन है वो भी इंडियन ब्रीड्स को अडॉप्ट करने के लिए इनक्रेज करती है। 29 ईयर्स से ये एक वेटेन पेट हॉस्पिटल जो होता है डॉग्स का, सभी तरह के जानवरों का इलाज करते हैं ये लोग। और यहाँ पर अडॉप्शन ड्राइव्स भी चलती रहती है जीवाश्रम, जैसे आप जीवों का आश्रम है ये अगर आप इसके मीनिंग पे जाएंगे तो। और मतलब कि ये समझते हैं कि जो बेस्ट ब्रीड है ना वो इंडियन ब्रीड है अडॉप्शन के लिए, ऐसा इनका मानना है, बिकॉज वो इंडिया के हैं, मतलब उनके यहाँ नेचर वगैरह सब हमसे मिलता है, इजी टू मतलब बहुत जल्दी जुड़ाव हो जाता है, दे आर लाइक अस इंडियंस, इसलिए वो करते हैं। और उनकी ज़्यादा कोई टेक केयर भी नहीं करता इंडियन ब्रीड्स वगैरह को, इसलिए दे वांट टू प्रमोट इंडियन ब्रीड्स ताकि हर कोई इनका ध्यान रखे। ये आपको पड़ जाएगा राजोकड़ी विलेज है कोई, और राजोकड़ी टेम्पल के पास आपको उधर मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब आएगा। सो इतना ही था आज की वीडियो में, ये छः जगह से आप जा सकते हो और अडॉप्ट कर सकते हो अपने फरी फ्रेंड को, मगर अगर आप उसका दिल से ध्यान रख सको, प्यार कर सको और उसको दोबारा वो अबैंडन वाला स्टैंप ना दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कोई बंदा या कोई भी जी एक बार ही धक्का जा सकता है बार बार नहीं। सो इट जस्ट कि आप जाओ प्यार दो, प्यार लो और बस खुश रहो, और फटाफट अपना एक कैट अडॉप्ट करो जब भी मिले। और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी बहुत जल्दी कुछ अडॉप्ट करूँ जैसे थोड़ा, बट इसके लिए अगर एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आपसे नहीं संभल रहा है, कोई इशू आ रहा है कोई अडॉप्शन में, आप इन जगहों पे आके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आपको बता सकते हैं कि ये आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। समटाइम्स फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं कि आप नहीं टेक केयर कर पा रहे, और क्योंकि आपका खुद का खर्चा नहीं चल रहा था, आप दूसरे का क्या ही करोगे। सो आप देख सकते हो उसके लिए भी, बट अबैंड मत करो कभी किसी को, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उन्हें भी बुरा लगता है। और काफ़ी ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जिसमें काफ़ी बुरा लगता है, तो इट्स की वो चीज़ें ना ही करें, इंसान है इंसान बने रहें, शैतान ना बने। सो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड मिलते हैं अगले रेगुलर व्लॉग में। काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे रेगुलर करते करते आप लोगों के साथ, तो बस जाओ, और अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छी लगी है और मेरी मेहनत को थोड़ा सा लाइक कर सको तो लाइक का बटन दबा देना, नहीं तो डिसलाइक ही दबा देना, बट कुछ ना कुछ दबा देना, लाइक दबाने और सब्सक्राइब तो कर ही देना, चाहे उसके ऊपर तुम पॉज मारो चाहे उसके ऊपर तुम स्क्रैच करो, बस वो बटन क्लिक हो जाना चाहिए सब्सक्राइब वाला। और मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, मैं फटाफट चलता हूँ और अगले व्लॉग की रेडी तैयारी करनी है, तो चलते हैं।